kusum. गंदी आंटी, मुझे डांटा, मैं मम्मी को बोल। मम्मी, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रहा? क्या बात है बेटा? बोलो ना। उसने मुझे डांटा मम्मी। मेरे बेटे को किसने डांटा बेटा? मम्मी, ये यहाँ क्यों रहती है हमारे साथ? इसे कहो ये यहाँ से चली जाए। इसने मुझे खेलने भी नहीं दिया। तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा नहीं कहते अभय बेटे। बेटे ये तुम्हारी कौन हो? आपकी बेटी हूँ मैं पापा, मुझे भी नहीं पहचानते। और मैं की बेटी हूँ। मम्मी, मम्मी आपने सुना? ये आंटी मुझे पापा कहती हैं। देखिए, मैं तो खुद बच्चा हूं ना, मैं कैसे पापा हो सकता हूँ? पागल, मैं पापा कैसे हो सकता हूँ? मैं कैसे पापा हो सकता? थैंक्स अभिनव, तुम तो हमारे लिए फरिश्ते निकले। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? झूठ भी तो नहीं है, पहले अभय का इलाज, फिर हमें नौकरी दिलाना। अरे मैंने क्या किया है? मेरे एक दोस्त को अपनी कार की एजेंसी के लिए एक्सपीरियंस्ड और शरीफ लोगों की जरूरत थी और आपको काम की, इसमें मैंने क्या किया? ये तो तुम्हारा बड़पन है, काम करो और क्रेडिट भी ना लो। चाहे तुम क्रेडिट लो या ना लो, हम हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। प्लीज, आई थिंक हमें चलना चाहिए। हाँ चलते हैं, मुझे भी चौल जाना है और वहां से अभय को लेकर डॉक्टर के पास। आप दोनों को मैं रास्ते में छोड़ दूंगा। अब प्लीज ये मत कहना कि ये भी एहसान है। ओके मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? अभय, हम जुहू बीच जा रहे हैं। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं बहुत सी आइसक्रीम खाऊंगा। हाँ बेटा, जरूर खिलाऊंगी। और मम्मी, मैं घोड़ों पर भी बैठूंगा। हम सब बैठेंगे अभय। थैंक्स सर। अभी नहीं कुसुम, एक बार डॉक्टर अभय का चेकअप कर ले, उसके बाद। डॉक्टर? मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, वो इंजेक्शन लगाएगा। नहीं बेटा, डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाएगा, वो मीठी दवाई देगा। ओके? नहीं मम्मी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, हम नहीं जाते। ओके? अंकल आप गाड़ी रुकिए प्लीज, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। अभय, अभय क्या कह रहे हो? अभय मेरी बात सुन। अभय,
तुम उस तरफ जाकर देखो, मैं मम्मी के साथ यहाँ जा रही हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से अभय इतना दूर नहीं आएगा। आई थिंक हमें चौकी की तरफ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी रव ठीक कह रहा है, हम एक बार घर जाते हैं प्लीज। या कम ऑन। ये लीजिए चाची। चाची, आज बहुत वक्त के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देख रही हूँ, और आप फिक्र मत कीजिए, इस मुस्कुराहट को मैं जाने नहीं दूंगी। वैसे चाची, आपने मेरा साथ चुन के बिल्कुल ठीक किया। अब आप जाइए, आराम कीजिए। थैंक यू सो मच माही। यू मोस्ट वेलकम। बाय। आंटी, मैं अपनी मम्मी से छुप रहा था। वो मुझे डॉक्टर अंकल के पास लेके जा रही। आप उन्हें बोलेंगे तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं बोलूंगी। चलो चलो, जल्दी से छुप जाओ। चलो चलो, घर आ गया, उठो। ये तो मेरा घर नहीं है आंटी, ये किसका घर है? ये तुम्हारा घर है। हाँ चलो। अरे आओ ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आओ। घर तो इतना बड़ा है, मेरा घर तो बहुत छोटा है। बर्गर्स और आइसक्रीम। ठीक है, मैं भी ऑर्डर करती हूँ। हाँ आंटी,
ये तो मेरे पापा है ना, लेकिन ये कौन है आंटी? आप बहुत अच्छी हैं आंटी, लेकिन ये गंदी आंटी मुझे डांटती, मेरे खिलौने ले लिए उन्हें। मेरे ख्याल से हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। आपके पास अभय का कोई फोटोग्राफ तो होगा ना? पर पुलिस। मेरे ख्याल से अभिनव ठीक कर रहा है साला, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अभय में इतनी समझ नहीं है कि वो खुद घर आ सके। चलो अभिनव। मैं भी आपके साथ चलूंगी पापा। हेलो, क्या मैं कुसुम से बात कर सकती हूँ? जी, तुम्हारा फोन है कुसुम। मेरे लिए? हाँ। हेलो, अभय मिला? माही? तुम्हारी याददाश्त वाकई बहुत ही अच्छी है। अभय खो गया है फिर भी तुम सेंसेस में हो, तुम्हें कैसे पता चला कि अभय? सवाल नहीं कुसुम, सवाल नहीं, बस ये सोचो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहां लेकर जा रही है। पहले अभय बोल नहीं सकता था, अब बोल सकता है और चल सकता है, लेकिन तुम्हें पहचान नहीं सकता। और अब तो ये हाल है कि अभय तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तुम एक बच्चे का ख्याल नहीं रख पाए। बकवास मत करो और चुपचाप बताओ कि अभय है कहां। क्या कर लोगी, क्या कर लोगी अगर मैंने नहीं बताया कि अभय कहां है? गरज तुम्हारी है, इसलिए सर आप तमीज से बात करो। ठीक है माही, मैं तुमसे बहुत तमीज से, बहुत प्यार से कह रही हूं, प्लीज मुझे बताओ कि अभय कहां है। चलो ठीक है, बताती हूं। अभय वहां है जहां तुम नहीं चाहती कि वो वहां हो। इसका मतलब अभय, यू एब्सोल्युटली राइट माई डार्लिंग, अभय मेरे पास है और बहुत ही खुश है, और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे पास आना चाहता है, क्योंकि उसकी जरूरत की सारी चीजें यहां पे मौजूद है। आंटी, आप किससे बात कर रही हैं? बेटा मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर रही हूँ। मैं भी बात करूँ? हाँ हाँ, लो बात करो। मम्मी, मम्मी, मैं यहाँ हूँ इस अच्छी आंटी के साथ। मम्मी, ये आंटी बहुत अच्छी है। पता है, इन्होंने मुझे बर्गर, कोक और इतने अच्छे अच्छे खिलौने दिए। मम्मी, आप भी यहाँ आ जाओ ना, हम सब साथ में रहेंगे। इनका घर इतना बड़ा है। आप आओगे ना मम्मी? देखा कुसुम, अब तुम्हारी मर्जी, तुम यहां आओ या ना आओ। बाय। चलो अभय। कहाँ? कपूर हाउस। ये लो बेटा। ये भी आंटी, आप भी खाओ ना। नहीं, तुम ही खाओ। नहीं आंटी, आप भी खाओ ना प्लीज। तुम खाओ ना। अगर आप नहीं खाओगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अच्छा, एक बाइट। हाँ, वेरी गुड, लो।
समझ लो कि ये भी तुम्हारा ही घर है। आओ ना मम्मी जी। प्रणाम। ये क्या मम्मी जी, मैं भी तो आपकी बहू हूँ। लगता है अभय को मेरे साथ देखकर आपको ज्यादा खुशी नहीं हो रही। हाँ भाई, जब तक कुसुम आप लोग के साथ है आप लोग खुश रह भी नहीं सकते। कुसुम, तुम यहाँ अभय को लेने आई हो ना, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किस्मत चाहती है कि अभय तुम्हारे साथ रहे, इसलिए बार बार वो मेरे पास ही चला आता है। वैसे मुझे लगता है कुसुम, तकदीर के इस फैसले को तुम्हें अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बोल चुकी भाई, जो तुम्हें बोलना था। हम यहाँ तुमसे तकरार करने नहीं आए, अभय को लेने आए हैं और लेकर जाएंगे। अभय चल बेटा घर चलो। नहीं मम्मी, मैं यही रहूंगा। ये आदमी बहुत अच्छा है। देखो ना, उन्होंने मुझे बर्गर दिया, चॉकलेट्स दी, इतने अच्छे खिलौने दिए। मैं नहीं आऊंगा, मैं तो यही रहूंगा। अब जिद नहीं करते, चलो। नहीं मम्मी। देखा कुसुम, जिसको तुम मेरे पास से लेने आई हो वो तो तुम्हें पहचानता भी नहीं है। इसे कहते हैं किस्मत की मार। अब आप लोग की इजाजत हो तो मैं जन कर लूं। चलो बेटा अब घर चलो। नहीं मम्मी, मैं यही रहूंगा। जिद नहीं करते, मैं कहा ना चलो घर। नहीं मम्मी, मैं यही रहूंगा। अबे अबे मेरी बात सुनो। पर देखा माही, कहते हैं बच्चों के अंदर भगवान बसते हैं। अभय भले मुझे पहचानता नहीं, लेकिन उसने तुम्हारी सीरत बिल्कुल सही पहचानी और इसी ने तुम्हें तुम्हारी जगह भी बताई। आज तो सिर्फ तुम्हारी कुर्सी खींची और तुम अपने आप को संभाल नहीं पाए, लेकिन कल माही जब तुम्हारे पैरों तले तुम्हारी जमीन खिसक जाएगी ना, फिर देखते हैं तुम क्या करती। All the best for that day.